हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभु। जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आपको का स्वागत है। चलिए फिर से लाया हूं एक वीडियो एमएस वर्ड में सीपेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले ओपन करने के लिए मैंने क्या किया है, विंडो प्लस आर दबाया और यहां पे टाइप किया विन वर्ड और इंटर बटन दबा दिए। देखिए हमारे एमएस वर्ड ओपन हो गए। जैसे मैंने एमएस वर्ड को ओपन किया, देखिए इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन होता है सेवेज। आज इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करना बताऊंगा कैसे सेवेज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया, कोई ऐसा मैटर होता है जिसको हम सेवेज में हमको बनाना होता है या सेवेज के थ्रू डिजाइनिंग किया जाता है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम सेवेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज क्या करेंगे, हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताएंगे सेवेज का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, उस पर फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, ग्रुप अन ग्रुप कैसे करेंगे, उस पर टाइप कैसे किया जाएगा, ये सारे के सारे फीचर्स ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले सेपेज को मैंने क्या कर दिया, क्लिक किया और यहाँ पे कोई एक सेपेज ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखिए यहीं से प्लस पॉइंट बन गया और उसके बाद से मैंने क्या किया, लेफ्ट पकड़ा और ऐसे खींच लिया। जैसे लेफ्ट पकड़ के मैंने ड्रैग किया, देखिए ये सेपेज हमारा बन के तैयार हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, अगर हम चाहते हैं कुछ टाइप करना, देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया, कुछ टाइप नहीं हो रहा, क्योंकि जब इस सेपेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मुझे क्या करना होता है, इसका इस्तेमाल करने से पहले कुछ टेक्स्ट लिखना है, इसके लिए हमें राइट क्लिक करना पड़ता है और राइट क्लिक करने के बाद से हमारे पास एक ऑप्शन आता है एडिट टेक्स्ट। मैंने क्या किया, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे हम एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद से जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारा टाइप होता है। जैसे मैंने टाइप किया पार्ट्स ऑफ कैप्लोकान किया और कंप्यूटर और मैंने क्या कर दिया, इसको सेंटर में कर लिया, फिर से कोने में क्लिक किया फर्स्ट टाइम और मैंने क्या कर दिया, स्पेस बटन दबा के इसे सेंटर में कर लिया और इसका सेपेज का साइज यहां से हम कोने से बढ़ा घटा के यहां से देख सकते हैं। जैसे मैंने क्या कर दिया, देखिए यहां पे प्लस पॉइंट पकड़ा, खींच दिया, इतना बड़ा हो जाएगा। फिर से सेपेज को बढ़ाना है तो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, घटाना है तो घटा सकते हैं। जैसे सेपेज का इस्तेमाल करना है तो हम लोग सेपेज का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। मैंने क्या कर दिया, इसको छोटा कर दिया और लाके मैंने सेंटर में मूव कर दिया, लाके इसे बड़ा कर दिया, देखिए। और यहाँ पे बैक स्पेस दबाया और ऐसे सेंटर में आ गए और उसके बाद से मैंने क्या किया, इसे थोड़ा छोटा कर लिया और यहाँ पे फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और इसको सिलेक्ट किया और इसे बड़ा कर दिया और बैक स्पेस दबाया और सेंटर कर लिया। और उसके बाद से देखिए मैंने लिखा है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जो मैंने सेपेज के अंदर लिखा है। अगर मैंने क्या किया, इस सेपेज को जहां पे मूव करना है हम वहां पे मूव करके देख सकते हैं, जो हमारा लिखा है इसी के साथ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया है, सारा सारा उसी के साथ दिखा रहा है। फिर से मुझे यहीं पे रखना है, मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसमें मुझे फॉर्मेटिंग करना है कि ये अच्छी तरह से सेपेज में दिखे, तो क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से हमारे पास एक टैब खुल जाता है फॉर्मेट, और फॉर्मेट के सहारे हम इसका डिजाइनिंग बदल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक सिंपल सा मैंने डिजाइनिंग लिया और यहाँ बाहर क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और यहाँ पे मैंने डिजाइनिंग कर दिया। कैसे आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करके देख सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स दिए रहते हैं, जो हम अप्लाई करना चाहते हैं हम इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे हैं, मैंने सिंपल सा ये ले लिया, देखिए ऐसे दिखा रहा है, बाहर क्लिक कर दिया। इसको भी जहाँ मूव करना है मूव कर सकते हैं, मैंने इसको बना दिया। अब आइए मैंने क्या किया, फिर से इंसर्ट टैब में आए और फिर से एक सेपेज लिया और इस सेपेज के माध्यम से मैंने बताया इसके दो पार्ट होते हैं, ऐसे ले लिया और यहाँ पे सेंटर में कर दिया। फिर से मैंने एक सेपेज लिया, इंसर्ट टैब में आए, सेपेज लिया और ऐसे मैंने सेपेज बड़ा सा खींच दिया, ऐसे ऐसे बना दिया। फिर से इसको मैंने क्या कर दिया, अब मुझे और भी एरो की चाहिए, मुझे दो चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से या तो मुझे बनाना पड़ेगा या इसी साइज का चाहिए, ऐसा ही चाहिए,
इस कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, इसको डबल भी कर सकते हैं। डबल करने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल डी दबाते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस डी दबाते हैं देखिए पेज क्या डबल हो गया। फिर से कंट्रोल दबाया और यहाँ पे कंट्रोल साथ डी दबाया, देखिए फिर से डबल हो गया। और ऐसे जहाँ पे मूव करना है हम लाके यहाँ पे मूव कर सकते हैं। फिर से मैंने क्या कर दिया, इसको मूव कर दिया और यहाँ पे जहाँ पे मूव करना है एरो की से भी हम मूव करके सेलेक्ट करना है और यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, मैं दो फोल्डर पार्टों के नाम भी लिख सकता हूँ। फिर से इंसर्ट टैब पे आए, सेव पेज पे आए और एक नॉर्मल सा मैंने सेव पेज लिया और यहाँ पे सेव पेज बना दिया, इसका भी डबल कर दिया कंट्रोल प्लस डी। फिर से यहाँ पे लाके मूव कर दिया इसको लेफ्ट पकड़े हुए, दो पार्ट होते हैं। फिर से मुझे इसमें टाइप करना है तो देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ, नहीं टाइप हो रहा है, क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा और एड टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा हार्डवेयर। और फिर से मैंने टाइप किया, राइट क्लिक किया, एड टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे टाइप किया सॉफ्टवेयर। और ऐसे मूव करना है तो मूव करके देख के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे हम सेपेज का इस्तेमाल करना है, बहुत सारे सेपेज होते हैं जिनको हम बना के और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से मैंने क्या किया, इसको डिजाइनिंग करना है तो कंट्रोल के साथ मान लो पूरा पूरा डिजाइनिंग एक ही अप्लाई करना है। मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट किया, कंट्रोल पकड़ा और मैंने क्या कर दिया, सबको सेलेक्ट कर लिया। देखिए मैंने यहाँ पे जैसे कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसको अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ सेलेक्ट हो रहा है फिर से कुछ चला जा रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक आसान तरीका होता है, हम शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं तो जितना बार सिलेक्शन करेंगे वो सबको सेलेक्ट कर देगा। मैंने शिफ्ट दबाया और यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर से इसको सेलेक्ट किया, फिर से इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। और जो फॉर्मेटिंग करना है सब पे वही अप्लाई होगा, मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया और जैसे डिजाइनिंग करना है मैंने उसको वैसा डिजाइनिंग कर दिया। यह मैंने देखिए ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सेपेज का इस्तेमाल करना है तो हम लोग सेपेज का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। फिर से हार्डवेयर के पार्ट बनाना है तो ऐसे ही बता देंगे, सॉफ्टवेयर के पार्टों को बनाना है तो ऐसे बना लेंगे। तो ऐसे इस फीचर का इस्तेमाल करना है कर सकते हैं।